गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 23 सितंबर 2022, 9:10:15 हो रहे हैं। हम क्विकली अपने बैंक निफ्टी के मॉर्निंग बॉट, जो कि एक नया बॉट है, पिछले 4 महीने से, 4.5 महीने से मैं बॉट पे ट्रेड कर रहे थे, उसका रिनोवेशन हो गया है। दिस इज द न्यू बॉट। गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करेंगे, कनेक्ट में जाके यहाँ पे हमें दो ब्रोकर से कनेक्ट करना है। ए ब्रोकर में हमें ऑर्डर प्लेस करना है, दूसरा ब्रोकर से हमें हिस्टोरिकल डेटा या OHLC डेटा लाना है। तो हम किस ब्रोकर में हमारा ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो है अलाइज ब्लू। अलाइज ब्लू में जैसे ही हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे दोस्तों, तो कनेक्शन में क्लिक करने से अलाइज ब्लू के साथ हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, पर इसमें ऑलमोस्ट जो है 15-20 सेकंड लग जाते हैं। देखिए हो गया है। उसके बाद फायर्स में OHLC क्लिक करके कनेक्ट करेंगे, क्योंकि फायर से सिर्फ और सिर्फ हम OHLC सर्विस ले रहे हैं। उसके बाद क्लिक हियर में क्लिक करके सबसे पहले लिंक जनरेट करेंगे, ऑथो कोड जिसको बोलते हैं उसको जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे पूछ रहा है पासकोड। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पासकोड दे दिया, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑथो कोड मिल जाएगा, जिस ऑथो कोड को कॉपी बटन दबा के हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कनेक्शन टर्मिनल है उस टर्मिनल पे पेस्ट करके कनेक्ट नाउ पे क्लिक कर लेंगे। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर फायर्स के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम रहेगा एंट्री बुक में जाके प्रीवियस डे की एंट्रीज को डिलीट करना, एग्जिट बुक में जाके भी एग्जिट्स को डिलीट करना, उसके बाद स्ट्रैटेजी टैब में जाके स्टार्ट बटन क्लिक कर देना। इतना करते ही हमारा अभी तैयार हो चुका है ये बॉट अपना काम करने के लिए। मार्केट ओपनिंग का वेट करते हैं दोस्तों, तब तक आपको और कुछ अपडेट मिलता है तो देता हूं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, 40,429 के पास गैप डाउन खुल रहा है। कल एक बहुत वोलेटाइल मार्केट था एंड आज के डेट में 40,429 पे खुल रहा है, यानी कि 40,500 के नीचे खुल रहा है। ये कि बियरिश साइन मेरे को प्रतीत हो रहा है दोस्तों। बाकी मार्केट जिस तरीके से बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। 9:13:10 हो रहे हैं, वेट करते हैं दोस्तों। सेकंड्स में मार्केट शुरू होने वाला है दोस्तों, 3-4 सेकंड बाकी है 9:15 होने के लिए। जी हाँ, 9:15 हो चुका है और पहला कैंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। देखिए 9:15 का कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है उस हिसाब से हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। पहला कैंडल कंप्लीट होने जा रहा है। अगर पहला कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि 9:15 के हाई के ऊपर 9:16 का कैंडल क्रॉस होता है तो तभी जाके हमें मिलेगा। पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कभी भी पहला कैंडल फॉर्मेशन होता है उसका OHLC डाटा हमेशा चार्ट के ऊपर सही नहीं दिखाता, इसीलिए API से जो रेस्पॉन्स आया है उसका OHLC डेटा हम देख लेते हैं। 9:15 का हाई है 40,528 और लो है 40,401, तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हाई है 40,528, लो है 40,409 और यहाँ पे जो लो बन के आया है वो 40,401 दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जरूर आता है दोस्तों, पर ये जो API के थ्रू हमने जो डेटा फेच किया है वो करेक्ट डेटा होता है। क्योंकि देखना ये चार्ट कुछ समय बाद मैं जब रिफ्रेश करूंगा ना, आप देखना कुछ समय बाद ये जो एग्जैक्ट हमारा API से जो वैल्यू है उसके साथ मैच कर लेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल का भी लो देखिए 40,401 दिखा रहा है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, कभी कभी ये सारी चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं, पर ये ध्यान देना जरूरी है क्योंकि API से हमेशा आपको करेक्ट डेटा मिलेगा। चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं डेटा मतलब मिसलीडिंग हो सकता है, तो API से जो डेटा मिला, देखिए मैं रिफ्रेश करने के बाद चार्ट पे भी वही डाटा डिस्प्ले हो गया। वेट करते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है आप लोगों को अपडेट कर। दोस्तों मार्केट से लाइव डेटा फेच होना शुरू हो गया है, 40,282, 284, 286, 290, 290, 295, अभी लाइव मार्केट से डेटा फेच होना स्टार्ट हो चुका है। 9:16 के बाद लाइव मार्केट से डेटा फेच होता है दोस्तों, तो वेट करते हैं किसी तरह की
एंट्री कंडीशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे 9.19 के कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही 9.20 का कैंडल क्रॉस किया, यहाँ पे एक ऑर्डर आ चुका है। देखिए दोस्तों 40,300 के कॉल में ऑर्डर आ चुका है। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लो पे होगा। अगर ये क्रॉस करता है तो डेफिनेटली इमीडिएट बेसिस में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। दोस्तों एंट्री होते ही नीचे आ गया है मार्केट, एंड यहाँ पे अगर ये वाला लेवल टच करता है तो डेफिनेटली हमें स्टॉप लॉस झेलने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि कहां पे स्टॉप लॉस है। देखिए स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाएगा तो लाइन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। इसके लो पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, एंड इमीडिएट बेसिस में वो हिट भी हो जाएगा, दिख रहा है मेरे को। अब देखिए चार्ट के ऊपर, अब देखिए उसी के आसपास पूरा मंडरा रहा है। वेट करते हैं दोस्तों, ये देखिए अब हिट हो गया है स्टॉप लॉस दोस्तों, ऑलमोस्ट। हाँ अब हिट हो गया है दोस्तों, अब आ जाएगा हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देखिए आ गया है, 515 पे एंट्री हुआ था, 497 498 के भाव में एग्जिट हो चुका है दोस्तों। आज का पहला ट्रेड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो इस ट्रेड में हमने लॉस झेलने को मिला। जो भी लॉस पॉइंट्स हमने निकल के आ रहे हैं उसको मैं डाउनलोड करके आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या बन के आ रहा है। ओपन करता हूँ और आप लोगों को फॉर्मेटिंग करके बताता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ और जो ओवरऑल वैल्यूएशन है उसको मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, ऑटो सम कर लूंगा। तो 863 का लॉस आज के डेट में हमने झेलने को मिला है दोस्तों, 863 का लॉस है आज के डेट में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि आज फ्राइडे है, मंडे के दिन हम मिलते हैं एक नया लाइव वीडियो के साथ।